Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am going to teach you the 20th chapter of English grammar, that is it happened yesterday. Iska meaning hua vah, yesterday ka meaning hota hai bita hua kal, jo kal pehle ja chuka hai. Theek hai? Happened means hua tha. Ye kal hua tha. ठीक है, जब किसी भी वर्ड में डी या ईडी उसके एंड में लग जाता है तो वो वर्ब पास्ट टेंस की वर्ब बन जाती है. ठीक है, जब किसी भी वर्ड में वर्ब में डी या ईडी उसके एंड में आ जाता है तो वो वर्ब पास्ट टेंस की वर्ब हो जाती है. ठीक है, सो यहां पर हैपन के एंड में ईडी एड होने से ये हैपेंड बन गया और इसका मीनिंग हो गया हुआ था. ये कल हुआ था, मतलब ये पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है. ठीक है, इसमें हम पास्ट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग हैपेंड यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट संडे, अ फ्यू मिनट्स अगो, वी यूज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड्स. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. जब हमको कहना होता है व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग हैपेंड यस्टरडे, कि कुछ हुआ था यस्टरडे, मींस बीते हुए कल में, यस्टरडे को हुआ था, लास्ट इवनिंग हुआ था, लास्ट इवनिंग मतलब जो इवनिंग जा चुकी है, पहले वाली, इसके पहले वाली इवनिंग, लास्ट वीक, इसके पहले वाले वीक में हुआ था, लास्ट संडे, इसके पहले वाले संडे में हुआ था, अ फ्यू मिनट्स है को या थोड़े से मिनट पहले हुआ था. वी यूज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड्स. उस समय हम जो डूइंग वर्ड्स या जो वर्ड्स होती हैं उनके स्पेशल फॉर्म को यूज किया जाता है. अब हम देखते हैं वो स्पेशल फॉर्म क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे. ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली. इसका मतलब वो ऑलवेज मीन्स हमेशा, एवरीडे मीन्स हर रोज, ऑफन मीन्स प्रायर, यूजुअली मीन्स भी प्रायर होता है. ठीक है, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, लास्ट इवनिंग पिछली वाली इवनिंग, लास्ट ईयर पिछला ईयर, सम टाइम एगो थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले. ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इनसे जो होगा तो वो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है और ये सारे पास्ट टेंस के सेंटेंस है. ठीक है, अब हम इनको सबसे पहले रीड करेंगे. ही लाइक्स, इसका मतलब हुआ वह पसंद करता है. ठीक है, इसका ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है. जब वर्ब में एस या ई एस आता है तो वो प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती है. यहां पर हो गया ही लाइक्ड, तो यहां पर डी जुड़ गया है इस वर्ड में. तो मैंने अभी बताया था आपको कि जिस वर्ब के एंड में डी या ईडी एड हो जाता है सो वो वर्ब पास्ट टेंस की वर्ब हो जाती है. इसका मीनिंग होगा वह पसंद करता है, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है. इसका मीनिंग हो गया ही लाइक्ड, वह पसंद करता था, मतलब ये पास्ट टेंस का हो गया ना ये सेंटेंस. ये मतलब ये इतना सा इस जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या हो गया, ये पास्ट टेंस की बात हो गई है. ठीक है, द ट्रेन स्टार्ट्स, ट्रेन शुरू होती है. ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन शुरू हुई थी. स्टार्ट में एस एड होने से प्रेजेंट टेंस की वर्ब हो गई, स्टार्ट में ईडी एड होने से पास्ट टेंस की वर्ब हो गई है. सो सेंटेंस भी पास्ट टेंस का हो गया. तो कभी भी हमको टेंसेस में चेंज करने के लिए किस चीज में चेंज करना पड़ता है, वर्ब फॉर्म को चेंज करना पड़ता है, वर्ब में चेंज करना पड़ता है हमको. ठीक है, द ओल्ड मैन वॉक, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी चलते हैं, ये प्रेजेंट टेंस. ओल्ड मैन वॉक्ड, बूढ़े आदमी चले, चले थे. वॉक्ड पास्ट टेंस की वर्ब हुई, वॉक का पास्ट टेंस वॉक्ड. ठीक है, द लायन रोर्स लाउडली, लायन जोर से चिल्लाता है. लायन रोर्ड लाउडली, रोर में ईडी एड होने से पास्ट टेंस का वर्ब बन गया ये. लायन रोर्ड लाउडली, जोर से चिल्लाया. आई प्ले, मैं खेलता हूँ. आई प्लेड, मैं खेला. वी जम्प, हम कूदते हैं. वी जम्प, हम कूदे, कूदे थे. मनजीत रन्स वेरी फास्ट, मनजीत बहुत तेज दौड़ता है. मनजीत रैन वेरी फास्ट, मनजीत बहुत तेज दौड़ा. ठीक है, रन का पास्ट टेंस रैन. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, किसी वीडियो में आपको बताया था कि जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब होती है उसमें एस एड होता है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस एड होता है उस वर्ब में. ठीक है, मेन वर्ब में. हाँ, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ वर्ब में एड, एस एड नहीं होगा. मान लीजिए इसकी जगह बॉयज होता है ना, बॉयज, तो उसको होता रन वेरी फास्ट, क्योंकि बॉयज प्लूरल नाउन है. सो बॉयज के साथ वर्ब में एस एड नहीं होता, रन होता वहां पर. लेकिन यहां पर मनजीत एक लड़का है, मनजीत के साथ में रन्स होगा, वर्ब में एस एड होगा. ठीक है, इसका मीनिंग हुआ मनजीत तेज दौड़ता है, दौड़ता है. मैंने बताया था तातीते, ये जब सेंटेंसेस के एंड में आते हैं ना तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है. ये इसका मीनिंग हो गया मनजीत रैन वेरी फास्ट, रन का पास्ट टेंस हो गया रैन, मेन वर्ब है रन, उसका पास्ट टेंस हो गया रैन, क्योंकि हम पास्ट टेंस का सेंटेंस यहां पर लिख रहे हैं. ठीक है, ही ईट्स एग, वह एग खाता है. देखिए सिंगुलर प्रोनाउन, तो वर्ब में एस आया है यहां पर.
ही ईट्स एग, वह अंडे खाता है. ही एट एग, ईट का पास्ट टेंस एट. ठीक है. द प्यून रिंग्स द बेल, प्यून घंटी बजाता है. प्यून सिंगुलर नाउन, सो यहाँ पर रिंग मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में एस एड हुआ क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है. इसका मीनिंग हुआ प्यून बेल बजाता है. प्यून रैंग द बेल, रिंग का पास्ट टेंस रैंग, प्यून ने बेल बजाई थी. ठीक है. वी बाय ब्रेड एंड मिल्क, हम ब्रेड एंड मिल्क खरीदते हैं. वी बॉट ब्रेड एंड मिल्क, हमने ब्रेड एंड मिल्क खरीदा. सेम, ही स्लीप साउंडली, वो बड़ी शांति से सोता है. ही स्लेप्ट साउंडली, वो शांति से सोया, सोया था या सोया, पास्ट टेंस का हो गया. स्लीप का पास्ट टेंस स्लेप्ट. ठीक है. नेक्स्ट है पापा लीव्स फॉर ऑफिस, पापा ऑफिस के लिए जाते हैं. सो पापा लेफ्ट फॉर ऑफिस, पापा ऑफिस के लिए गए थे, पापा ने ऑफिस के लिए छोड़ दिया, ये घर से निकल गए, इसका ये मीनिंग ये हुआ. तो लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट. ठीक है. वी गो फॉर बोटिंग, वी प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में वर्ब मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं आया है. इसका मीनिंग है हम बोटिंग के लिए जाते हैं. ताती ते, मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में वर्ब में एस या ई एस नहीं आता, इसलिए गो आया है यहाँ पर. वी गो फॉर बोटिंग, वी वेंट फॉर बोटिंग, गो का पास्ट टेंस वेंट, हम बोटिंग के लिए गए थे, तो ये पास्ट टेंस हो गया. आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ. आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया. तो आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस में डिफरेंस समझ में आया होगा. हमको क्या करना होता है, पास्ट टेंस लिखने के लिए वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना होता है. जैसे ड्रिंक का पास्ट टेंस ड्रैंक हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, माई मदर पैक्स माई टिफिन फॉर स्कूल, मेरी मदर मेरा स्कूल के लिए मेरा टिफिन पैक करती है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. यस्टरडे मामा, मामा वॉज नॉट वेल, यस कल मेरी मम्मा ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो पापा पैक्ड माई टिफिन, तो पापा ने, इसलिए पापा ने मेरा टिफिन पैक किया था. ठीक है ना. यस्टरडे, देखिए बीते हुए कल में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वर्ब भी कैसे बात करेंगे कि जब पिछले कल में ऐसा नहीं था तो मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे पापा ने टिफिन पैक किया था, तब हम ऐसा बोलेंगे ना. तो क्या होगा, सो पापा पैक्ड माई टिफिन. ठीक है ना. जब हम बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसमें वर्ब भी पास्ट टेंस की यूज करेंगे. सो पापा पैक, पैक में ईडी ऐड करके पास्ट टेंस हो गया पैक्ड माय टिफिन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस ऑन पेज नंबर 56 इज, एवरी डे आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. एवरी डे, हर रोज मैं उठता हूँ. आई के साथ में वर्ब में एस और यस नहीं आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक है. आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं हर रोज मॉर्निंग में 6 बजे सुबह उठता हूँ. उठता ताती थे, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया ये. बट यस्टरडे आई गॉट अप एट 6 o'clock, लेकिन यस्टरडे मींस कल मैं उठा था. सो गेट का पास्ट टेंस गॉट अप एट 6, 7 o'clock. सो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया. हमको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, गेट का पास्ट टेंस लिख दिया, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. वर्ब फॉर्म में हमको चेंज कर दिया, हमने वर्ब के फॉर्म में चेंज करा, सो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया. ठीक है. चलिए अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे. प्रैक्टिस टाइम 20.1, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. इसमें आपको क्या करना है, ब्रैकेट में करेक्ट वर्ड को टिक करना है. ठीक है. इसमें हम देखेंगे मोनिका इनवाइट और इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स टू द बर्थडे. इसका क्या होगा, मोनिका अगर हम इनवाइट लिखते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा इनवाइट तो होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, तो वर्ब में एस होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो ये वर्ड तो हो नहीं सकता. तो क्या होगा, मोनिका इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स टू हर बर्थडे. यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा, इनवाइटेड. इसका मीनिंग क्या होगा, मोनिका ने इनवाइट किया था ऑल हर फ्रेंड्स टू हर बर्थडे, उसकी बर्थडे पर उसने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था. ठीक है. उसके बाद आवर स्कूल डैश एट 7 o'clock एवरी डे. अब इसका मीनिंग अगर आप हिंदी में करें तो हमारा स्कूल शुरू होता है, यहाँ पर टू वर्ड्स है, अगर हम बिगिन वर्ड का यूज करते हैं तो बिगिन आवर स्कूल सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब में एस होना चाहिए, मतलब ये वाला वर्ड सही होगा, हमारा स्कूल शुरू होता है एट 7 o'clock एवरी डे. ठीक है. उसके बाद थर्ड सेंटेंस, लास्ट इवनिंग बी सी और सो कार्टून फिल्म. अब लास्ट इवनिंग, देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, मतलब वर्ब भी पास्ट टेंस की होनी चाहिए, तो सी का पास्ट टेंस होता है सो, तो इसका करेक्ट क्या होगा, सो वर्ड आएगा, यहाँ पर सी नहीं आएगा क्योंकि हम लास्ट इवनिंग पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं. सो लास्ट इवनिंग बी सो अ कार्टून फिल्म, तो हम सो पर टिक करेंगे. ठीक है. फोर्थ सेंटेंस, लास्ट संडे फादर टेक्स और टुक अस टू द जू. अब लास्ट संडे मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, सो हम वर्ब का पास्ट टेंस, टेक का पास्ट टेंस होगा टुक अस टू द जू, हमको ले गए, टुक मींस ले गए थे.
टेक मीन्स होता ले जाना और टुक क्या हो जाएगा ले गए थे. सो लास्ट संडे हमारे पापा हमको जू ले गए थे. पास्ट टेंस की बात लास्ट संडे मीन्स पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है तो हम वर्ब भी पास्ट टेंस की यूज करेंगे. ठीक है, सो टुक पर टिक करेंगे. फिफ्थ सेंटेंस, लास्ट नाइट हर मदर वॉज नॉट वेल. लास्ट नाइट उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी. सो शी डैश अब द डॉक्टर, तो उसने डॉक्टर को रिंग करी या उनको फोन करा. सो क्या होगा लास्ट नाइट, तो क्या हो जाएगा वर्ब का पास्ट टेंस. रिंग्स तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, पास्ट टेंस है रैंग. रिंग का पास्ट टेंस होता है रैंग. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें रैंग. क्लियर आप लोगों को स्टूडेंट्स, इतना समझना है कि इसे लास्ट नाइट पता है पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है तो वर्ब भी पास्ट टेंस की यूज करेंगे. एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ वर्ब में एस आ जाएगा. अगर ऑप्शंस में जो भी दिया हुआ है तो हम करेक्ट उसमें करेक्ट वर्ब पर टिक करेंगे. ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा. उसके बाद एवरी संडे वी गो और वेंट फॉर बोटिंग ऑन द लेक. एवरी संडे हर संडे हम जाते हैं फॉर बोटिंग ऑन द लेक, लेक पर बोटिंग के लिए जाते हैं. जाते हैं होगा ना, या ऐसे बोलेंगे कि हम एवरी संडे हम बोटिंग लेक पर बोटिंग के लिए गए थे, ये तो नहीं सही है. हम क्या लिखेंगे एवरी संडे हम बोट पर लेक पर बोटिंग के लिए जाते हैं. सो जाते हैं के लिए प्रेजेंट टेंस की वर्ब होगी गो, ये करेक्ट आंसर होगा इसमें. वी गो, वी प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ में वर्ब में एस और यस नहीं आया है. यहां पर गो वर्ड, गो फॉर बोटिंग ऑन द लेक. सो करेक्ट आंसर क्या है इसका गो. क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज और देख लेते हैं, इसकी लास्ट एक्सरसाइज इस लेसन की. मैं इसलिए करा रही हूँ स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज क्योंकि अभी अभी हमने रिसेंटली लेसन पढ़ा है, तो आप जब इसको करेंगे ना बहुत इजी लेसन है. तो जब हम इंस्टेंटली जब हमने अभी अभी ये लेसन पढ़ा और जब आप अभी तुरंत इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा. इसलिए मैं ये लास्ट एक्सरसाइज, एक छोटा सा लेसन है इसलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज भी आज ही करा रही हूँ. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द डूइंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. यहाँ पर ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं इसका करेक्ट फॉर्म हमको यहाँ पर फिल करना है. हम देखेंगे प्रेजेंट फॉर्म आना चाहिए या पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म आना चाहिए वर्ब का. ठीक है, पहला सेंटेंस देखेंगे वी वेंट टू द स्विमिंग पूल, इसका मीनिंग हुआ हम स्विमिंग पूल गए थे. देखिए पास्ट टेंस की वर्ब है यहाँ पर. वी डैश फॉर 15 मिनट्स, तो हम गए थे तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगी तो स्विम का पास्ट टेंस होगा स्वैम. हम लास्ट हम स्विमिंग पूल गए थे तो हमने वहां पर तैरा था, ऐसा होगा ना. ऐसा तो नहीं होगा कि हम स्विमिंग पूल गए थे हम वहां 15 मिनट तैरते हैं, ये तो नहीं होगा ना. इसका सही कैसे होगा कि हम स्विमिंग पूल गए थे और हमने वहां पर वी डैश फॉर 15 मिनट्स, हमने वहां पर 15 मिनट तैरे हम यहां 15 मिनट तैरे, तो क्या होगा पास्ट टेंस आएगा यहां पर. वी स्वैम फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, स्विम का पास्ट टेंस एस डब्ल्यू एम स्वैम. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस पिंकी ओपन द डोर ऑफ द केज. पिंकी ने डोर केज का पिंजरे का डोर दरवाजा ओपन मीन्स खोला. सो खोला ओपन यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब है. द पैरेट, तो क्या हुआ पास्ट टेंस की यहाँ पर वर्ब आई है तो आप यहाँ पर भी पास्ट टेंस फील करेंगे. द पैरेट, फ्लाई का पास्ट टेंस होता है फ्लू. पैरेट उड़ गया, जब उसने पिंजरा खोला तो पैरेट उड़ गया. उसी समय पहले ही हो चुकी है ना ये सब चीजें, जब उसने पहले दरवाजा खोला मतलब उसी टाइम भी पैरेट उड़ गया होगा, ये चीज भी पास्ट टेंस में हो चुकी है तो यहां पर भी पास्ट टेंस की वर्ब आएगी, है ना. सो यहां पर क्या होगा फ्लू अवे. विक्की, थर्ड सेंटेंस विक्की एट सैंडविचेस. विक्की ने सैंडविचेस खाए, पास्ट टेंस है यहां पर, ईट का पास्ट टेंस है एट, खाए थे. सो आई डैश मिल्क, इसका भी पास्ट टेंस आएगा. ईट ड्रिंक प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, ड्रिंक का पास्ट टेंस होता है ड्रैंक. विक्की ने सैंडविचेस खाए थे, मैंने दूध पिया था ड्रैंक. ठीक है, फोर्थ सेंटेंस कपिल थ्रू अ बॉल टू द डॉग. कपिल ने डॉग की तरफ एक बॉल फेंकी, पास्ट टेंस की वर्ब है. सो द डॉग, तो यहां पर भी पास्ट टेंस की वर्ब आएगी. ब्रिंग का पास्ट टेंस होगा ब्रॉट द बॉल बैक. कपिल ने डॉग की तरफ एक बॉल फेंकी, द डॉग, डॉग ने ब्रॉट द बॉल बैक, ले आया बॉल को वापस. कपिल ने उसकी तरफ डाली, डॉग की तरफ, तो डॉग जो था वो बॉल को वापस ले आया. सो ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट पास्ट टेंस. ठीक है, बी आर ओ यू जी एच टी ब्रॉट. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस द मैन वॉज वेरी ओल्ड. मैन बहुत बूढ़ा था, ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है. इंदू डैश हिम टू क्रॉस द रोड, इंदू ने उनकी हेल्प करी. यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब है, वॉज पास्ट टेंस की वर्ब है, तो यहाँ पर भी हम हेल्प का पास्ट टेंस यूज करेंगे. हो जाएगा इंदू हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड. मैन बहुत बूढ़ा था इसलिए इंदू ने उनकी रोड क्रॉस करने में उनकी हेल्प करी. ठीक है,
ठीक है ना। ये एक्सरसाइज, ये वाला लेसन कितना इजी है स्टूडेंट्स, अगर आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल ये वाला एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने 20.1 ए एंड बी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करा है और हमने इज आर एम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में आई एन जी मेन, सॉरी इट हैपेंड यस्टरडे, ये लेसन है। तो इसमें हमने पास्ट टेंस की वर्ब को कैसे क्या होती है उनके बारे में पढ़ा, और 20.1 ए एंड बी एक्सरसाइजेस, ये दोनों एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में सॉल्व करनी है। ओके, सो डू द वर्क एंड सबमिट मी ऑन टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।